हाँ जी, तो क्या हाल चाल। कल मैं शाहरुख खान की बादशाह मूवी देख रहा था। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस मूवी में शाहरुख खान एक डिटेक्टिव बादशाह का रोल कर रहा है। जिनको नहीं पता, ये मूवी 1999 में रिलीज़ हुई थी। बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है। सबको ये मूवी की स्टोरी के बारे में पता ही होगा। शाहरुख खान एक डिटेक्टिव है जिसके पास एक जादुई एक्सरे चश्मा है, जिससे वो लोगों के कपड़ों के आर पार देख सकता है। समझ रहे हो? कपड़ों के आर पार। दीवारों पे चलने के लिए मैग्नेटिक शूज़ हैं और एक स्पेशल टॉफ़ी बॉम्ब, जिसे खाकर वो फेंकता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। 1999 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। आप सोच ही सकते होंगे कि कितनी फ्यूचरिस्टिक मूवी है ये उस टाइम के हिसाब से। तब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। लोगों ने इन गैजेट्स को हंसी मजाक में ले लिया और किसी ने इन गैजेट्स पर गौर नहीं किया। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो मैंने बड़े गौर से ये गैजेट्स देखे तो मुझे पता चला कि ये रियल लाइफ में भी प्रेजेंट है। तो आज हम उन्हीं गैजेट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका एनालाइजर जितेंद्र यूट्यूब चैनल में। मूवी का सबसे ज़्यादा फेमस गैजेट है एक्सरे ग्लासेस। इन ग्लासेस को पहनकर बादशाह कपड़ों के आर पार देख सकता है और उसे बड़े आराम से पता चल जाता है कि दुश्मन के पास कौन से हथियार हैं, कौन से हथियार उसने छिपाए हुए हैं। लेकिन डायरेक्टर ने नाम रखने में थोड़ी सी गलती कर दी। आपको नहीं लगता कि अगर वो एक्सरे ग्लासेस थे तो हमें लोगों की हड्डियां दिखनी चाहिए थी, ना कि लोगों के कपड़े ही गायब हो जाएं? तो ये गैजेट रियल लाइफ में बन चुका है जिससे हम कपड़ों के आर पार देख पाएं। लेकिन वो चश्मा नहीं, एक स्कैनिंग डिवाइस है और इस गैजेट का नाम है इंफ्रारेड कैमरा, जो कि एयरपोर्ट पर यूज़ होता है। इस कैमरे में इंफ्रारेड लाइट बड़े आराम से कपड़ों में गुजर सकती है और वापस आ सकती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कपड़ों के अंदर क्या छुपा हुआ है। एयरपोर्ट पर बहुत से लोग जो कि ड्रग्स छिपा कर लेकर जाते हैं और बहुत सी इलीगल चीज़ें जो कि अलाउड नहीं है, लोगों ने शूज़ में ऐसी चीज़ें छिपाई होती हैं और भी बहुत जगह पे, तो ये इंफ्रारेड कैमरा बड़े आराम से लोगों का पता लगा लेता है कि लोगों ने कहाँ कहाँ चीज़ें छुपाई हैं। ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है और सरकार नॉर्मल लोगों को ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने की परमिशन भी नहीं देती। अभी आपको एक एक्सीडेंट के बारे में बताता हूँ। वन प्लस कंपनी है जो कि फ़ोन बनाती है, आप सभी को मालूम ही होगा। उसने एक फ़ोन बनाया जिसमें कि इंफ्रारेड कैमरा यूज़ किया था, तो गलती से उनसे ऐसा हार्डवेयर बन गया जो कि कपड़े के आर पार देख सकता है। तो उन्होंने बिना चेक किए फ़ोन बिल्ट कर दिया और फ़ोन में ये फीचर था कि वो टीवी रिमोट के आर पार देख पाए और वो काले कपड़े के अंदर भी देख सकता था। और भी ऐसे बहुत से मटेरियल्स थे जिनके आर पार वो फ़ोन बड़े आराम से देख सकता था। तो ऐसे में लोगों की प्राइवेसी बहुत ख़तरे में पड़ गई। तो वन प्लस ने कहा कि हम ये फीचर को रिमूव कर देंगे, ये सॉफ्टवेयर को निकाल देंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आजकल में लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि बड़े आराम से फ़ोन के सॉफ्टवेयर को डीकोड करके दोबारा वो फीचर्स लगा सकते हैं। आप सोच ही सकते हैं कि अगर ऐसा कोई फ़ोन आ गया जो कि लोगों को बिना कपड़ों से दिखा सकता है तो लोगों की प्राइवेसी का क्या होगा। लोगों की प्राइवेसी की तो धज्जियाँ ही उड़ जाएंगी। मेरी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दीवारों पर चलने वाले शिपकली वाले जूते, जिन्हें यूज़ करके शाहरुख खान बड़े आराम से दीवारों पर चलता था। इन जूतों का रियल लाइफ एग्जाम्पल है गैको ग्लव्स। फ़र्क बस इतना है कि गैको ग्लव्स में हमें हाथ और पैर दोनों का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन बादशाह वाले गैजेट में हम सिर्फ पैरों का यूज़ करते थे। अब गैको ग्लव्स काम कैसे करते हैं ये जाने बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। गैको ग्लव्स को आप शिपकली की पैरों की कॉपी बोल सकते हैं। शिपकली के पैरों में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं, और ऐसे ही दीवारों में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। और जब भी शिपकली दीवार पे पैर रखती है तो ये माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स दीवार में लॉक हो जाते हैं और शिपकली को एक बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। ऐसी शिपकली दीवार से नहीं गिरती। इसी सिमिलर प्रोसेस में, बिल्कुल सिमिलरली, गैको ग्लव्स में भी बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स बनाए गए हैं जिससे कि हम ऊपर क्लाइंब बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल शिपकली की तरह, वो भी बिना दीवार से गिरे। और इन थ्रेड्स को हम नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप गैको ग्लव्स का मैकेनिज्म समझ गए हैं तो अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, टॉफ़ी बॉम्ब। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है,
बादशाह एक टॉफ़ी खाता था, उसे चबाता था और दुश्मनों के ऊपर फेंकता था, और वो टॉफ़ी ब्लास्ट कर जाती थी बिल्कुल एक ग्रेनेड की तरह, बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह। तो क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ। कभी आपने वो छोटे छोटे पॉप पॉप बॉम्ब तो चलाए होंगे, अगर वो नहीं तो उनसे थोड़े से बड़े होते थे, बिल्कुल इतने साइज़ के, जिन्हें हम गंडा बॉम्ब कहते थे। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, पंजाबी में मालूम है। तो समझ गए ना आप क्या होते हैं वो। जब भी हम उन्हें फेंकते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं। उनमें ऐसा क्या होता है? उनके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं और बहुत सा केमिकल्स भरे होते हैं जो कि एक्सप्लोजिव होते हैं। जब भी हम उन्हें फेंकते हैं तो वो पत्थर एक दूसरे से रगड़े जाते हैं और हीट प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट से वो अंदर के एक्सप्लोजिव जलता है और ब्लास्ट हो जाता है। इन बॉम्ब्स का साइज़ भी टॉफ़ी के बराबर ही होता है, लेकिन रियल लाइफ वाले बॉम्ब्स और मूवी वाले बॉम्ब्स की पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मूवी वाले बॉम्ब्स बहुत तेज फटते थे, उनकी पावर तो ऐसे थी जैसे कि ग्रेनेड है, लेकिन रियल लाइफ वाले बॉम्ब्स तो बच्चों वाले बॉम्ब्स है। तो क्या हम टॉफ़ी के साइज़ के बड़े बॉम्ब जैसे कि ग्रेनेड्स जैसे बना सकते हैं? इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हाँ, ऐसे हम ग्रेनेड्स बना सकते हैं। करना बस ये है कि अंदर के केमिकल्स और एक्सप्लोजिव्स को चेंज करना है और उन्हें पावरफुल एक्सप्लोजिव से बदल देना है, और उसे हम टॉफ़ी में रैप भी कर सकते हैं। तो बन गया हमारा टॉफ़ी बॉम्ब, जैसे ही फेंकें और बॉम्ब ब्लास्ट, बिल्कुल मूवी की तरह। ये रियल लाइफ में इसलिए नहीं बना क्योंकि सरकार जानती है कि इन बॉम्ब्स का हम करेंगे क्या, आर्मी वाले इसे यूज़ नहीं करेंगे और रियल लाइफ में यूज़ करके एक दूसरे की जान लेंगे क्या? बनाना तो इन्हें बहुत इजी है, बड़े आराम से बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं इन्हें। तो हमारा लास्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और बात शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ और हम मिलते रहें। तो अब हम एक सीन देखेंगे, चलाइए। कितना बड़ा ऑपरेशन था, मैंने एक बच्चे को मेंढक की आंख फिट करके आया। बोलो, मेंढक की आंख? हाँ, बच्चे की आंख का साइज छोटा होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं आता। डॉक्टर साहब, क्या आप इनको भी मेंढक की आंख लगाएंगे? अरे दिख रहा, मैं पागल हूँ, इसको मेंढक की आंख लगाऊंगा? अरे इसको तो मैं दो अलग अलग आंख लगाऊंगा, एक बकरे का दूसरा उल्लू का। जी हाँ, देख। तो क्या हम किसी इंसान की बॉडी में जानवर की आंख लगा सकते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक मैंने किसी भी इंसान को जानवर की आंख लगते ना ही कभी सुना, ना ही किसी आर्टिकल में पढ़ा। अभी मैंने रिसर्च भी की, कहीं पे मुझे नहीं मिला कि इंसान को जानवर की आंख लगाई हो। लेकिन रिसर्च में मुझे पता चला कि अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान का कॉर्निया एक्सेप्ट कर सकता है तो किसी जानवर का कॉर्निया क्यों नहीं एक्सेप्ट करता। कॉर्निया इंसान की आई का वो ब्लैक पार्ट होता है, और आज तक कभी किसी इंसान को जानवर का कॉर्निया इम्प्लांट नहीं किया गया। लेकिन फ्यूचर का मैं कुछ नहीं कह सकता, ये हो भी सकता है और क्या पता साइंटिस्ट करे भी ना। तो आपका क्या कहना है, इंसान को जानवर का कॉर्निया इम्प्लांट करवाना चाहिए या नहीं? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं सबका रिप्लाई खुद करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबडी एंड बाय। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं।